नीरहार हार धनसार सुधाकर अंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग पिनकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतये ओम इं सरस्वत्ये नमः ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। सरस्वती माता, इनका पूजा पाठ का जो दिन है वो उसे बसंत पंचमी का दिन बोला जाता है। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला त्योहार है। इस बसंत पंचमी में हमारी परंपरा, भौगोलिक परिवर्तन, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष, सभी चीज इसमें आपस में एक सम्मिश्रण होता है। हिंदू सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन सब ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा बोला गया है। और बसंत पंचमी के दिन को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का दिन भी होता है। इसी दिन से प्राकृतिक सौंदर्य निखरना शुरू हो जाता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उन पर नई पत्तियां, कोपल आदि आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष जो है पूरी ऊर्जा से भर जाता है। बसंत पंचमी जो है सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये भी कहते हैं कुछ लोग कि माता सरस्वती का प्रकट्य उत्सव है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है और उनसे अच्छी विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। ओम एम सरस्वत्ये नमः यह मंत्र भी बोलना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही विशेष होता है। बसंत पंचमी का त्योहार एक तो ऊर्जामय तरीके से मनाना चाहिए और भारत में इसे मनाया भी जाता है। कुछ लोग बसंत पंचमी के दिन पीले ही कपड़े पहनते हैं, पीले ही खाना खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उसमें भी पीलापन होता है और खिचड़ी बांटने की प्रथा भी है और रंग बिरंगी पतंगे भी उड़ाई जाती है। बसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आप नींव पूजन कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, व्यापार आरंभ कर सकते हो, सगाई कर सकते हो, विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम सब कर सकते हो। मां सरस्वती को संगीत, कला, विज्ञान, शिल्प कला, इनकी देवी माना जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानता से छुटकारा मिलता है, सुस्ती खत्म होती है, आलस्य खत्म होता है। इनकी उपासना करना चाहिए। बहुत सी जगह भी देखा गया है कि बसंत पंचमी के दिन ही बच्चे के हाथ में कलम, स्लेट, पेंसिल दिया जाती है और उसी दिन से उसकी पढ़ाई चालू की जाती है। और बहुत से विद्यालयों में आज भी बसंत पंचमी के दिन जो है मां सरस्वती की पूजा की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या तू शुभ वस्त्रावता। बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती मां की पूजा करके अपने माता पिता जो भी गुरु हैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान ध्यान करके मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि पीला वस्त्र जो है गुरु का कारक है और हमें गुरु की आवश्यकता होती है।
तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, घी का दीपक लगा करके सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए और उसके बाद माँ भगवती का मंत्र बोलना चाहिए। और ये प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को साथ में रख करके करवाना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिभिवदय सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यप्पा। इस प्रकार से माँ सरस्वती का ध्यान किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है और उसके बाद में विधि विधान का पालन किया जाता है। जैसे कि षोडश उपचार पूजा की जाती है वैसे पूजा करना चाहिए और माँ भगवती सरस्वती जी को सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए, सफेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए और प्रसाद के रूप में भी खीर यानी दूध की मिठाई, दूध से बनी मिठाई जो सफेद होती है वही मिठाई अर्पण करनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ हमारा यह है कि जिनकी कृपा चाहिए, जिस देवी देवता की कृपा चाहिए, उन देवी देवता के अनुरूप आपको पूजा करने पर फल की प्राप्ति होती है। अब चूंकि सरस्वती जी श्वेत वस्त्र वाली है, जैसे कि हमने मंत्र में बोला कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रस्तावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, यानी कि माँ भगवती को सरस्वती माँ को श्वेत वस्त्र धारण करती, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र ही चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भी खीर उनको उपलब्ध कराई जाती है, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, सफेद फूल की माला उनको अर्पित करनी चाहिए और इसके बाद में नवग्रह की भी पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। सरस्वती चालीसा आप पढ़ सकते हो, सरस्वती के मंत्रों का जप कर सकते हो, माँ सरस्वती जी के 108 नाम हैं उनका भी जप किया जा सकता है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप जप कर सकते हो। सरस्वती जी के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, मैं बोल रहा हूं आप चाहें तो उनको भी याद कर लें और रोजाना एक बार माला अवश्य करें तो आपकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाएगी। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते, ये वाला मंत्र है जिस किसी भी को भी चाहिए। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर 7649862712 पर संपर्क कर सकता है। जिस व्यक्ति को माँ भगवती सरस्वती के जी के बारे में और काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमाति तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, यानी कि माँ मातंगी के बारे में भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। तो सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते, इस माला की मंत्र की भी यदि कोई व्यक्ति 5 माला रोजाना जप करता हो तो उसकी विद्या और बुद्धि, यानी जिसका बुद्ध खराब हो बुद्ध अच्छा हो सकता है, यदि विद्या की कमी है तो विद्या उसको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इस मंत्र में क्लियर कट लिखा हुआ है सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमल लोचने विद्या रूपा विशालाक्षी विद्याम देही समस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमत्तस्ये 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 नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि दापय दापय स्वाहा, इसे भी 5 माला जप कर सकते हो। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्ये नमः, ये वाला मंत्र भी आप जप कर सकते हो, ये और ज्यादा पावरफुल है, इसको तंत्रात्मक मंत्र बोलते हैं। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्य एच सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते, इस मंत्र का भी जप करके आप माँ भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हो। फिर माँ भगवती के कुछ नाम हैं, इन नामों को भी जो 12 नाम है जिसको बोलते हैं द्वादशतानी नामानी, इनका भी नाम लेकर के रोजाना यदि लेने कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसकी 5 माला रोजाना करिए,
सरस्वती भारती नाम द्वितीयम च सरस्वती तृतीयम शारदा देवी चतुर्थम हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमम ब्रह्मचारिणी नम बुद्धि माता तथा दशमम वरदायिनी एकादशम चंद्रकांति दशाम भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंदेय पठेन्नर जिह्वाग्रे वसुते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। यानी माँ भगवती सरस्वती यदि जिह्वा पर आपको लाना है तो माँ सरस्वती जी के जो द्वादश नाम है इनकी भी एक माला रोज करना चाहिए। या हमने जो आपको सरस्वती के बहुत सारे जो मंत्र बताए माँ भगवती के, उनके मंत्रों का आपको जप करना ही करना पड़ेगा। सरस्वती माँ की आप एक मूर्ति लेकर के आ जाइए जो 9 इंच से छोटी होनी चाहिए, सफ़ेद मूर्ति हो ज़्यादा अच्छा, और ठोस मूर्ति होना चाहिए, पोली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उनके सामने सफ़ेद फूल रोज जाना चढ़ाएं, चाहे गुलाब का फूल हो, इत्र चढ़ाएं, और उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ में ही आपको कोई भी एक मंत्र जो आपने लिया है उसको जप करना प्रारंभ करें, क्योंकि जब तक आप मंत्रों का जप नहीं करेंगे आपके शरीर से ऊर्जा नहीं निकलेगी, और जब ऊर्जा निकलेगी तो आप शरीर की ओरा रिपेयर हो जाएगी, जब ओरा रिपेयर हो जाएगी तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होने में कोई देर नहीं लगता है। तो जिन जिन को भी कुंडलिनी शक्ति जागरण करना हो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उनकी कुंडली जागरण कराई जा सकती है। तो बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है, और उस दिन जो है ये विशेष तौर से मंत्र, इन मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हो, जप भी कर सकते हो। माँ भगवती सरस्वती की चालीसा भी बजान में मिलती है, आप चाहें तो उस चालीसा को भी पाठ कर सकते हो। जनक जननी पद मधुरज निजब मस्तक पर धार, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारि, पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तू ही अवहंतु। ये जो है माँ सरस्वती चालीसा का दोहा है। यदि किसी को सरस्वती चालीसा पढ़ना सीखना हो तो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। बहुत से मनुष्य हमसे फोन करते हैं कि हमें भी बुद्धि चाहिए, हमें भी वाणी की सिद्धि चाहिए कि हम भी प्रवचन दे सकें और हम भी उस मेमोरी को याद रख सकें। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि माँ सरस्वती या फिर मातंगी माता की शरण में जाएं और उनकी सेवा करें, उनकी साधना करें, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर के, ताकि आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ज्योतिषी लोग हैं उन्हें विशेष तौर से इनका सिद्धि अवश्य लेना चाहिए, ताकि उनकी कलम स्वतः चलेगी और वो जो भविष्य बोलेंगे वह पूर्णतः सत्य होगा। परंतु सिद्धि लेने के लिए मनुष्य को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। इस जिह्वा से यदि आप झूठ बोल रहे हो तो मान करके चले आपको वाणी की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि माँ भगवती जगत जननी झूठ से सख्त नफरत करती है। तो इस प्रकार से हमने आपको माँ भगवती सरस्वती जी के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। ओम ऐं नमः, 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 ये भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। यह तंत्रात्मक मंत्र है,